वहीं विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर बड़ी जानकारी, कल बीजेपी के 4 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जिला प्रभारी और मंत्री मौजूद रहेंगे। झुंझुनू में 10 बजे नामांकन दाखिल होगा, रामगढ़ में 12 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा, दौसा में 2 बजे और देवली उनियारा में 4 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। 25 अक्टूबर को बीजेपी के 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, खीवसर में 10 बजे, सलूम्बर में 1:15 पर और चौरासी में 3:15 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो कल से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा के तमाम कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा भी कई कैंडिडेट्स के साथ नामांकन दाखिल जब होगा तो वहां पर पहुंचेंगे, उस क्षेत्र में क्षेत्र की जनता के साथ संवाद करेंगे। ये है वो समय खीवसर, सलूम्बर, चौरासी का जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स अब नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सूची तक अब तक नहीं आ पाई है, तो इंतजार हो रहा है। तो कल बीजेपी के 4 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, 4 प्रत्याशी बीजेपी के नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे इन तमाम कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल प्रक्रिया में? देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टिकट वितरण में यानी कि प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में बाजी मारी। अब आज मीटिंग में तय किया है कि कल और परसों यानी कि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। कल 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है नंदनी कि चारों विधानसभा उपचुनावों के दौरान जब प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहेंगे, जिला के जो प्रभारी मंत्री वही मौजूद रहेंगे, लेकिन चारों स्थानों पर सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौर मौजूद रहेंगे। कल 4 स्थानों की हम बात करें या 4 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों की बात करें तो झुंझुनू में सबसे पहले 10 बजे नामांकन दाखिल करेंगे, इसके बाद रामगढ़ में 12 बजे नामांकन दाखिल होगा, इसके बाद 2 बजे दौसा में नामांकन दाखिल होगा और इसके बाद 4 बजे देवली उनियारा में नामांकन दाखिल किया जाएगा। और इसके बाद 25 अक्टूबर को 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे पहले 10 बजे खीवसर में नामांकन दाखिल किया जाएगा, इसके बाद सलूम्बर में 1:15 बजे नामांकन दाखिल होगा और चौरासी में 3:15 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। 7 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे और एकजुटता के साथ चुनावी रण में उतरने का आह्वान करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा भी तमाम प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल प्रक्रिया में पहुंचेंगे।